नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। पूरे देश में 4 फरवरी से यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी 30वें यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें मॉडल्स और स्टॉल्स के जरिए लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इस आयोजन में राजधानी पुलिस ट्रैफिक पुलिस के समन्वय में बाइक रैली और पोस्टर्स के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। निगम गार्डन में हुए इस आयोजन में स्कूली बच्चे भी ट्रैफिक पुलिसिंग के नियमों से जानकारी लेते नजर आए। ट्रैफिक डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने आयोजन को सुगम सरल बनाने में लिए गए मापदंडों की जानकारी दी। यातायात पुलिस द्वारा आज 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रदर्शनी लगा के इसका उद्घाटन किया है, जिसमें विभिन्न स्टॉल के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, पंपलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक सीडी का और एक बुक्स का विमोचन भी किया है, जो विभिन्न स्कूलों में इसका वितरण किया जाएगा, और हेलमेट जागरूकता रैली एक निकाली गई जो पूरे शहर में भ्रमण करके लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करेगी। इसके अलावा सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, शिविर भी लगाएंगे, हेल्थ कैंप लगाएंगे और गाड़ियों का भी निरीक्षण करेंगे, सभी ट्रांसपोर्टरों को भी मीटिंग लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देंगे। और हमारा प्रयास सरल, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाना एक सप्ताह में हमारा लक्ष्य रहेगा। रायपुर से खबर जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ अमित शर्मा की रिपोर्ट। नारायण नारायण।